वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग। घर में कितने एमएम का वायर यूज करें। इलेक्ट्रिक वायरिंग एक परमानेंट कार्य होता है और इसको हमें बेसिक जानकारी होने से हम लोग वायरिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं। यदि हम वायरिंग की जानकारी न रखेंगे तो मिस्त्री जो बोलता है वही हम वायर यूज कर लेते हैं और भविष्य में लोड ओवरलोडिंग होने के कारण तार जल जाता है और फिर से हमें वायरिंग कराना पड़ता है, जो कि समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक बेसिक जानकारी दे दूंगा, जिससे कि आपको जब भी अपने घर का वायरिंग कराएंगे तो आप सावधानी बरतेंगे और जिससे आपको समय और पैसा दोनों की बचत होगी। तो इसमें हम देखेंगे कितने एमएम का वायर किस कार्य के लिए किया जाता है। तो वायरिंग तीन प्रकार का, इसमें तीन कलर में यूज होता है। जैसे रेड कलर का वायर होता है, एक आपका ब्लैक कलर का वायर होता है, मल्टी कलर का वायरिंग यूज होता है हाउस के वायर इलेक्ट्रिक वायरिंग करने में। तो रेड कलर आपका फेज में यूज होता है, ब्लैक आपका न्यूट्रल, ग्रीन अर्थिंग के लिए यूज होता है आपका ग्रीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0.75 mm वायर, इस इतना mm का वायर कहाँ होता है। इसका कलर जनरली ग्रीन होता है और ये अर्थिंग वर्क के लिए ही होता है और इसको लाइटिंग, घर में लाइटिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है। जीरो पॉइंट सेवन एम एम का, उसके बाद 1 mm का, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वायर होता है। 1 mm का वायर जो होता है घर में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये मल्टी कलर के रूप में होता है, रेड येलो ब्लू, ये मल्टी कलर का है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। पॉइंट में सबसे ज़्यादा ये यूज होता है तथा इसका फैन में, इसका यूज फैन में कर सकते हैं आपका। फिर से जिसमें लोड कम हो उस केस में 1 mm का वायर यूज किया जा सकता है। अब देखेंगे 1.5 mm, 1.5 mm वायर। ये तो ऐसे ये भी विभिन्न कलर का पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः दो कलर, रेड और ब्लैक, 1.5 mm होता है ये। जब देख जो घर में मान लीजिए चार स्विच है तो उसके बीच को लूपिंग करने में ये वायर यूज होता है, जोड़ने में ये 1.5 mm का सबसे ये यूज होता है। लूपिंग में ही इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और पावर सॉकेट में भी ये यूज किया जा सकता है। पावर सॉकेट के में यूज होता है, जब कंप्यूटर या आपका आयरन हीटर ये सब यूज करना है। तो 1.5 mm का वायर यूज होता है। इसके बाद आपका 2.5 mm, ये हैवी लोड, जहाँ पर हैवी लोड में एसी यदि आपको चलाना है तो 2.5 का यूज कीजिए। गीजर
गीजर में यूज होता है आपका, और आपका एमसीबी बॉक्स से बोर्ड, एमसीबी बॉक्स से स्विच तक लाने में वायर का यूज होता है 2.5 mm का। इसके बाद आपका 4 mm का वायर है। 4 mm का वायर जो होता है, जब मान लीजिए कि एमसीबी बॉक्स बहुत दूर है रूम से आपके, तो क्या किया जाएगा कि इस केस में यदि आप 2 टन से ज़्यादा का एसी चला रहे हैं, तो यदि 2.5 mm में चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीटिंग होगा और हो सकता है कि वो तार जल जाए। इसलिए 4 mm का वायर जब एमसीबी बॉक्स आपका रूम से ज़्यादा दूर हो तो यूज करना चाहिए। इसके बाद 6 mm का वायर केवल एमसीबी में यूज होता है, बॉक्स में यूज होता है। इस प्रकार हम देखें, एक छोटी मोटी सावधानियां हैं जिससे आप जब भी कभी भी वायरिंग का कार्य घर में कराते हैं तो यदि आपको इस इन बातों का ध्यान रहेगा तो भविष्य में होने वाले वायरिंग के कारण आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।